अस्सलाम वालेकुम, लाहौरी एस्टेट से उमर ताहिर। माय कॉन्टैक्ट नंबर 03219537814। आज मैं आपसे DHA बहावलपुर में मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि बेस्ट लोकेशन पे और बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा DHA बहावलपुर की लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, शहर से करीबतर है, एयरपोर्ट से करीबतर है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, किस ब्लॉक में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है DHA भावलपुर सेक्टर ए में, मैं इसकी बात करूंगा। सेक्टर ए की लोकेशन आपको पहले भी बता चुका हूँ। वीडियो के शुरू में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि DHA भावलपुर में जितने भी ब्लॉक्स हैं, तमाम ब्लॉक्स में DHA ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि इनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं 250 फीट रोड्स हैं, 150 फीट रोड्स हैं, हर ब्लॉक में 80 फीट रोड है। सेंट्रल कमर्शियल एरिया दिया गया है, आने वाले टाइम पे यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह आएंगे। मतलब इसकी लोकेशन और जिस लिहाज से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, आप बिलीव करें कि आने वाले टाइम पर इसने मैक्सिमम गेन देना। इस टाइम मिनिमम प्राइस पर चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बाइंग करें। DHA का सिक्योर प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे इनकी प्राइसेस बेहतर होती जाएंगी। तो वीडियो के अपने जो मैं आपसे प्लॉट शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जगह पे मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है जिसका नियर नंबर है 489। एग्जैक्ट नंबर हम इसलिए नहीं बताते लाहौरी सेट पे ताकि आपके प्लॉट्स की वैल्यू ख़राब ना हो सके। नियर का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि एक दो प्लॉट आगे या पीछे हो सकते हैं, लेकिन यह है कि होगा इसी पट्टी में। ये आप प्लॉट देख सकते हैं, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, नियर नंबर है 489। डेवलपमेंट चार्जेस इसके जमा हो चुके हैं और सारे के सारे जो कि 22 लाख रुपए थे। पोजेशन वाला प्लॉट है, बिल्कुल सामने इसके पार्क है, फेसिंग पार्क है, करीब पे इसके सेक्टर शॉप्स हैं। ये 150 फीट रोड है करीब पे। मैं आपको डेवलपमेंट का स्टेटस यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का स्टेटस आप देखें कि डेवलपमेंट यहाँ पर पूरे के पूरे ब्लॉक में DHA ने पोजेशन दे दिया हुआ है ब्लॉक में, और यहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन भी किस हद तक तेज़ी से जारी है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। इसकी प्राइस मालूम करने के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बाद मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर बताया था। फॉर एग्जांपल आप जिस प्राइस पे भी प्लॉट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप प्लॉट लेते हैं 80 लाख में या 90 लाख में, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो प्लस आपने 22 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस इस प्राइस के अलावा अदा करने हैं। ट्रांसफ़र इसकी लाहौर है। अगर मतलब हमारे बायर जो भी इस प्लॉट को बाय करेंगे, अगर वो कराची से हैं या इस्लामाबाद से हैं या DHA बहावलपुर से हैं, तो आउट स्टेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्लॉट अगर आप बेचना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं, तो जिस जगह पर आप अवेलेबल हैं, मतलब आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या DHA बहावलपुर में, तो खैर इसका मेन ऑफिस है, तो आप कहीं पर भी जो है अपने प्लॉट की सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। तो मैं सेकंड प्लॉट की तरफ आऊँगा। DHA भावलपुर सेक्टर ए की हम बात कर रहे हैं। सेकंड प्लॉट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, 701 नंबर है और वो अराउंड आएगा इस जगह पे। 701 नंबर है प्लॉट और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम पे ये भी अच्छा गेन देगा। तकरीबन इस जगह पर आ रहा है प्लॉट, ये इस जगह पे आ रहा है, ये 701 नंबर है। इसके मतलब करीब पे कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है, बैड लोकेशन को कमर्शियल करीब पे नहीं है, या कोई ऐसी बैड लोकेशन या कोई हाई टेंशन वायर इसके करीब से गुजर नहीं रही। इसकी पट्टियाँ भी जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं आपको इसका ऑन ग्राउंड विजिट भी करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, बल्कि घरों की कंस्ट्रक्शन देखें किस हद तक हुई है, और बिल्कुल करीब पे इसके पार्क भी है और बिल्कुल साथ पे 150 फीट रोड भी है। तो लोकेशन वाइज ये भी प्लॉट बहुत अच्छा है, मतलब पार्क के सामने का तो नहीं है लेकिन बिल्कुल पार्क के करीब है, एक दो गलियाँ छोड़ के बिल्कुल साथ में ये प्लॉट है और इसकी भी बहुत रिजनेबल प्राइस है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये भी नियर का वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि इसके करीब इसके प्लॉट हैं, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है, एक दो नंबर प्लॉट्स का फ़र्क हो सकता है। इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इस प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं हो सके, सेलर ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं करवाए। अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर इसकी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और जो इसके डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो बाद में भी अदा किए जा सकते हैं ट्रांसफ़र के बाद। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी ये इसकी ट्रांसफ़र जो है, इसकी भी ट्रांसफ़र लाहौर में, सेलर जो है वो लाहौर में है, और अगर आप लाहौर से बाई ना इस्लामाबाद, कराची, तो वहाँ पर भी आप बैठ के ऑफ स्टेशन जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्लॉट जो है वो नियर नंबर है 761 नंबर। इसके भी करीब पे पार्क है और थोड़ा ही दूर जो है यहाँ पे कमर्शियल मार्केट है।
नीचे वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो बिल्कुल इसके साथ 155 रोड है, मतलब कोई भी ऐसी बैड लोकेशन नहीं है इसकी भी। मैं आपको पट्टी पे दिखाता हूँ घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये देखें अगली पट्टी पे बिल्कुल साथ में घर बन रहे हैं और इस जगह पे जो है इस प्लॉट की लोकेशन है। तो इसकी भी रीजनेबल प्राइस है और इसके डेवलपमेंट चार्ज जो है 22 लाख जो है वो जमा है। जो पहले वाला आपको मैंने प्लॉट बताया था उसके डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं हो सके, लेकिन इसके डेवलपमेंट चार्जेस जमा है। ये अपडेट प्लॉट है, जिस प्राइस पे भी आप इस प्लॉट को बाय करते हैं तो प्लस आपने 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। लोकेशन के साथ प्लॉट्स बाय करें, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। आप कम अज़ कम आप जो प्लॉट बाय कर रहे हैं, जो चीज़ ले रहे हैं, आपको पता है उसके राइट लेफ्ट तरफ क्या है, कैसी लोकेशन है। कल को जब आप इसे बेचेंगे तो आपको मैक्सिमम इसमें फ़ायदा भी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरा जो ए ब्लॉक है यहाँ पे लैंड का कोई इशू नहीं है। ये दो कनाल की कटिंग दी है DHA ने, यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल्स आ जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है DHA भावलपुर का ए ब्लॉक का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सैटरडे संडे यहाँ पे काफ़ी रश होता है और पूरे के पूरे ब्लॉक में आप देखें घरों की कंस्ट्रक्शन किस हद तक हो रही है। मतलब ये वो चीज़ें हैं, ऑन ग्राउंड आज आप मतलब बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे इनको बाइंग करेंगे तो आने वाले टाइम पे ये आपको 100% प्रॉफिट देंगी। तो वैसे भी ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक की प्राइस जो है वो तमाम ब्लॉक से बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से घर बन रहे हैं तो यहाँ पे जो एंड बायर है वो ज़्यादा जल्दी मूव होगा। यहाँ पे हम DHA भावलपुर के सेक्टर बी की तरफ बनेंगे। सेक्टर बी में मेरे पास इस जगह पे प्लॉट अवेलेबल है और ये मैं आपको इसका नंबर भी बताता हूँ। इस जगह पे मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है जो कि 155 रोड के ऊपर प्लॉट है। ये आगे जाके कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे भी रोड कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो यहाँ पे भी रोड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जगह पे जो है प्राइस आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे जो है प्लॉट मिल जाएगा, जो आने वाले टाइम पे आपको उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। हमेशा अच्छी लोकेशन का प्लॉट बाय करें, बजट का अगर इशू हो, बजट कम हो, कनाल का प्लॉट ना लें, 10 मल्ला ले लें, लेकिन लोकेशन अच्छी का प्लॉट लें। वो आने वाले टाइम पर आपको अच्छा गेन भी देता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी देता है और जब आप चाहते हैं तब वो बिक भी जाता है। यहाँ पर मैं अपने लाहौरिया शहर के क्लाइंट्स को बताना चाहूँगा कि 22 लाख का 22 लाख रुपया जो है वो जमा हो चुका हुआ है और सेक्टर बी में भी जो है पोजीशन मिल चुका हुआ है, घरों की कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है। तो इस प्लॉट का जो नियर नंबर है वो 620 है, 155 रोड का ये प्लॉट है। और मजीद इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर जो इसकी है वो लाहौर है। मैं आगे बढ़ूंगा सेकंड प्लॉट की तरफ। सेकंड प्लॉट जो है इस जगह पे आ रहा है, DHA बहावलपुर की हम बात कर रहे हैं। ये भी पोजीशन वाला प्लॉट है, 1188 नंबर है इसका, नियर नंबर है। और ये आप देख सकते हैं बैक पे यहाँ पे पार्क आ रहा है, बैक पे यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये बल्कि 155 रोड पे घर भी बन रहा है, जो मैं आपको प्लॉट बता रहा हूँ 1188, वो इस जगह पे इसकी लोकेशन है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें घरों की कंस्ट्रक्शन किस हद तक हो चुकी है। ये 85 रोड है DHA भावलपुर बी ब्लॉक का, घरों की कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से जारी है। यहाँ पे 1400-1500 की नंबरिंग है और जो मैंने आपको बताया वो 1188 है। ऑन ग्राउंड लोकेशन के साथ मतलब यहाँ पे लैंड का कोई इशू नहीं है, लैंड क्लियर है, प्लॉट की लोकेशन अच्छी है, डेवलपमेंट चार्जेस के सारे जमा हैं। इसकी ट्रांसफ़र जो है वो इस्लामाबाद में है। और इसकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लाहौरिया शहर के क्लाइंट्स के साथ वो प्लॉट शेयर करूं जो आने वाले टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी दें, उनकी लोकेशन अच्छी हो। हमेशा अच्छी लोकेशन का प्लॉट बाय करें, बैड लोकेशन वाले प्लॉट्स जो हैं उनको ना तो होल्ड करें ना उनको बाय करें। बल्कि आपका कोई भी प्लॉट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0321-9537-814। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने प्लॉट की असेसमेंट भी ले सकते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। तो अपने प्लॉट्स की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए या सेलिंग बाइंग के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सेक्टर सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर सी में जो है सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो 10 मल्ला के प्लॉट्स हैं और इस पोर्शन में 8 मल्ला के प्लॉट्स आएंगे, जो फ्यूचर में जो अभी ये फाइल्स 25 लाख वाली बुकिंग वाली फाइल्स हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका जब बैलेट होगा तो मे भी आपकी फाइल जो है 8 मल्ला जो है वो इस जगह पर DHA लोकेशन दे। लेकिन ये जैक नहीं है, हो सकता है कोई नया ब्लॉक भी आए, लेकिन इस जगह पर DHA भावलपुर ने 8 मल्ला की कटिंग दी हुई है। मैं अभी सेक्टर सी की तरफ बढ़ता हूँ। तो सेक्टर सी में मेरे पास यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत प्लॉट है जो ऑन ग्राउंड लोकेशन भी उसकी क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये इसका नंबर है 1369, नियर नंबर है, कॉर्नर का प्लॉट है, 80 फिट रोड है और प्लस इसके सामने आप देख सकते हैं पार्क है, बहुत रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। डेवलपमेंट चार्जेज़ के अपडेट हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए
आप मुझसे कॉल पे इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब तीन तीन एज हैं इस प्लॉट में, मैं उसको ऑन ग्राउंड भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें तीन तीन इस प्लॉट में एज हैं। और मतलब ये वो प्लॉट है, जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो आप बिलीव करें कि इसमें मैं कम अज़ कम समझता हूँ कि 8 से 10 लाख रुपया, जैसे ही मतलब मार्केट ने बेहतर होना है तो इसमें मतलब आपको जो है ना जंप आ सकता है इस प्लॉट में। इस ब्लॉक में भी पोजेशन मिल चुका हुआ है सेक्टर सी में, और सेक्टर सी में कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन, ये देखें यहाँ पर कुछ घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि यहाँ पर घर ज़्यादा बन रहे होते हैं, लोगों का ज़्यादा रुझान उस तरफ होता है जैसे सेक्टर ए बी है, लेकिन सी में भी काफ़ी घर या देख रहे हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और प्लॉट अवेलेबल है सेक्टर सी में। सेक्टर सी में इस जगह पे आप देखें कि लैंड क्लियर है, लैंड का किसी किस्म का इशू नहीं है, और ये 1621 नंबर है और ये नंबर है इसका, और इसकी भी प्राइस बहुत रिजनेबल है। डेवलपमेंट चार्जेस इसके 5 लाख रुपए अभी तक जमा हो सके हैं, बाकी के जमा नहीं है। जो बायर इसको बाय करेगा वो बाकी के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा के इनकी आप इसकी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और ट्रांसफ़र भी इसकी लाहौर है। मैं अभी बात करूंगा सेक्टर डी की। सेक्टर डी जो है जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के आगाज में पहली भी वीडियो में बता चुका हूं कि सेक्टर डी में जो है विला है 6 मरला 9 मरला और 12 मरला। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन अभी तक अवेलेबल है, ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन नहीं आती सेक्टर डी में, जो भी ऑप्शन आती है वो बिक जाती है। उसकी रीज़न क्या है, जो विला बने हुए हैं 6 मरला 9 मरला और 12 मरला, यहाँ पर रहाइश आ चुकी है, कुछ लोगों ने रेंट आउट किए हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी होती है। मतलब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जैसे ही सेक्टर डी को डीएचए पोजीशन देगा तो इसकी प्राइस जो है वो डे बाय डे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो सेक्टर डी में भी जो है लैंड का कोई इशू नहीं है, लैंड यहाँ पे क्लियर है, किसी किस्म का कोई मतलब इशू नहीं है सेक्टर डी में। यहाँ पे मेरे पास सेक्टर डी में एक प्लॉट अवेलेबल है 724 नंबर है और एक्सेस लैंड भी है इसके साथ, और ये 155 रोड के ऊपर प्लॉट आ रहा है, इसकी भी बहुत रिजनेबल डिमांड है, डेवलपमेंट चार्जेस इसके जमा हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के आगाज मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया था 0321-9537-814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो में आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।